बागेश्वरधाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का दलित की शादी में गुंडागर्दी करने का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। आज सम्यक समाज संघ ने धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि यह मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद भी पुलिस ने गंभीर धाराएं नहीं लगाई हैं और मांग की है कि यदि जल्द शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी नहीं पुलिस करती है तो फिर उनका संघ पैदल भोपाल तक जाएगा और प्रदर्शन करेगा। वहीं एसपी का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने जिस तरह से बयान दिए हैं उसी तरह से मामला दर्ज किया गया है। यदि वायरल वीडियो की ओरिजिनल वीडियो मिलती है तो इस मामले में और धाराएं बढ़ाई जाएगी। पीड़ित परिवार के साथ में हूँ और अभी भी मेरे साथ में खड़े हैं उनके जो बच्ची के पिताजी है कल्लू अहिरवार और उनके चाचा राम रतन अहिरवार जी मेरे साथ में है। पूरा गांव मेरे साथ में है, पूरा गांव नहीं पूरा देश हमारे साथ है। लेकिन परिजनों ने जो बयान दिए उसमें वो कह रहे हैं वो टॉर्च लिए हुए थे, इन्होंने बयान बदले क्योंकि उनके रात में धीरज शास्त्री के कुछ गुंडे आए, डराया धमकाया और वो जहाँ पढ़े लिखे है नहीं उन्हें जो बोला उन्होंने देख दिया। मगर आपको मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को कि मीडिया ने सच्चाई दिखाई। पर छतरपुर जिले के बमीठा अंतर्गत ग्राम गणा की घटना है जहाँ पे 11 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हवाई फायरिंग या फिर कट्टे को लहराते हुए देखा गया था। इसमें विभिन्न धाराएँ जो मारपीट की थी, डराने धमकाने की थी या SC/ST के तहत इसमें टाइमिंग की गई थी। इसमें जितने भी बयान थे साक्ष्य थे वो लिए गए थे। हमारा प्रयास इसमें यही है कि जो साक्षी हैं उनके न्यायालय में भी कथन कराए जाएँ और चलानी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए।